बड़ी खबर की तरफ, कालका से बड़ी खबर। कालका में हत्या की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। ज्वेलरी शॉप में सो रहे युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। रॉड से पीट पीट कर इस युवक की हत्या कर दी गई है। ज्वेलरी शॉप से ये मर्डर की तस्वीरें सामने आई हैं। हत्या के बाद 1.5 किलो सोने की लूट भी हुई है और ये पूरी की पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। तो कालका से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें कालका से सामने आई हैं। निर्मम हत्या एक ज्वेलरी शॉप में कर दी गई है युवक की। युवक सो रहा था और उसी वक्त कुछ युवक ने उसे रॉड से पीटा और रॉड से पीट पीट कर उस युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद उस ज्वेलरी शोरूम से, जो ज्वेलरी शॉप है, उससे 1.5 किलो सोना भी चुरा लिया गया। तो अब तस्वीरें आपके सामने हैं, सीसीटीवी फुटेज देखिए आप। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से पहले उस युवक की पिटाई की जाती है, एक के बाद एक रॉड से वार किया जाता है और उसके बाद 1.5 किलो सोना जो है उसको लूट के ये फरार हो जाते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है उस ज्वेलरी शॉप की जहां पर पूरी वारदात हुई है। कालका से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ज्वेलरी शॉप से मर्डर की तस्वीरें। जयंत हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। जयंत, अभी कुछ भी खुलासा हो पाया है आरोपियों के बारे में, कुछ भी पता चला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज मिली है उसमें जो पहचान करवाई जा रही है उसके हिसाब से जो आसपास के लोगों से या जो दूसरे पुलिस के अपने सोर्सेज हैं उनके जो पहचान करवाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा अभी पुलिस कुछ भी बताने को तैयार नहीं कि वो इस मामले को किस तरह से देख रही है। नहीं, लेकिन अभी भी आपने कहा कि फुटेज उनके पास है, लेकिन अभी भी आरोपियों का कुछ सुराग नहीं मिल पाया पुलिस को। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस आज सुबह जैसे ही इस वारदात का पता चला था पूरे क्षेत्र में एकदम सनसनी फैल गई थी। तमाम जिले के जो पुलिस के, जैसे पंचकुला जिले के डीसीपी हैं जो, वो भी यहाँ पहुंचे थे। स्थानीय जो पुलिस अध्यक्ष हैं, थाना इंचार्ज वगैरह सब वहां पर पहुंचे थे। सबने पूरा अपना वो लगा रखा है, लेकिन अभी तक जो है इस मामले में पुलिस जो है किसी फाइनल उस पर नहीं पहुंची है। हत्यारे अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। हाँ जयंत, परिवार वालों का कुछ कहना है? जो मृतक के परिवार वाले हैं उन्होंने क्या कुछ बताया? 1.5 किलो सोना वहां से चुराया गया है, क्या और भी कुछ ऐसी चीजें चुराई गई हैं? जी मैं आपको बता दूं कि जो हमने परिवार के जो मृतक के पिता थे उनसे जो बात हुई थी वो बहुत ही दुख में थे। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा तो चला गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि हथियारों को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। उन्होंने अपने जो दुकान में हुए मतलब इस वारदात के बारे में पूरी बताया हमें, और उनका जो नुकसान है 1.5 किलो सोना है उनका और चांदी के जवाहरात हैं वो भी जो साथ लूट लिए गए हैं, जिनकी मार्केट कीमत लगभग जो 40 लाख के करीब जो नुकसान जो है अभी उन्होंने शुरुआती अपने बताया है। बाकी अपना पूरा नुकसान जो है उसकी जांच के बाद अपनी बताया गया, लेकिन वो पूरे सदमे में जरूर हैं इस सारे वारदात से। बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी गई। जयंत, ये किस वक्त की घटना है और मकसद साफ नजर आ रहा है, चोरी का ही उसमें एकमात्र मकसद था? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हत्यारे थे वो दुकान के अंदर जब घुसे थे तो उन्होंने दुकान का जो पिछला हिस्सा है उसके ऊपर जो लोहे की चादर थी उसको वहां से हटाया है सबसे पहले, उसके बाद दुकान के अंदर उन्होंने एंट्री की है, और उसके बाद में जो गैस कटर है उस गैस कटर से हत्या करने के बाद जो गैस कटर से तिजोरी है जो दुकान के अंदर रखी थी उसको काटा है, और ये सारी लूट को और इस हत्या को वारदात को जो बड़े आराम से अंजाम देके यहाँ से फरार हो गए। जयंत, कब की घटना है, किस वक्त की घटना है ये? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मृतक के पिता हैं उन्होंने हमें बताया कि आज सुबह 8 बजे के करीब वो अपनी दुकान पर पहुंचे, क्योंकि उनका जो बेटा था वो अपने दुकान की सुरक्षा के लिए रात को वहां दुकान के अंदर ही सोता था। तो उसी को जब वापस घर नहीं आया तो वो उसको लेने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर जाकर देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो दुकान के अंदर ही खून में लथपथ सना पड़ा और वहीं पर मृत पड़ा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जयंत आपका। तो ज्वेलरी शॉप में किस तरह से बदमाश आते हैं और करीब 1.5 किलो सोना लूट कर ले जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार बदमाशों में खौफ क्यों नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, चंडीगढ़ से पुलिस भर्ती को लेकर सीएम खट्टर बैठक आज करेंगे। बैठक में डीजीपी और गृह सचिव भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र में जो पुलिस भर्ती चल रही है उसी पर सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों को लेकर बैठक आज की जाएगी। कुरुक्षेत्र पुलिस भर्ती में
तीन युवकों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर मसला गंभीर हो चुका है। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता की तरफ रुख करते हैं। राकेश, कुरुक्षेत्र में जो पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है, काफी उसको लेकर बवाल भी हुआ, अब उसको लेकर बैठक खुद सीएम करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल पूजा, देखिए ये जो है बवाल का विषय बना है। जिस तरह आप जानते हैं कि भर्ती के दौरान नशाखोरी की जो बातें सामने आ रही हैं, हालांकि इस पर लिपापोती ये की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ड्रग्स ना होकर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट जो एक सप्लीमेंट होता है उसका नाम दिया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आमतौर पर खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप जानते हैं कि तीन मौतें इस सारे मामले में हो चुकी हैं, तो इसको लेकर कई सवालिया निशान लगे हैं। हालांकि अलग अलग स्तर पर आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं भूषण भारती, वो भी कह चुके हैं कि नशा करते पाया गया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन मामला थम नहीं रहा है। और इससे बड़ी बात यह है कि गंभीरता जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और राजनीतिक भी मुद्दा ये बनता जा रहा है। तो इस सबको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है, अपने कक्ष में बैठक बुलाई है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के रामनिवास और डीजीपी जो डॉक्टर केपी सिंह हैं वे मौजूद रहेंगे। हाँ। और सारी सिस्टम पर जो है मुख्यमंत्री जानकारी लेना चाहते हैं, आगे के लिए दिशा निर्देश देना चाहते हैं कि, और ये भी जानना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा क्यों हो रहा है। आप जानते हैं कि 10 लाख के लगभग जो है आवेदक इस आवेदन किया है इन भर्तियों के लिए, और जिसमें से 4 या 5 लाख लोग जो सही पाए गए वो इस समय इंटरव्यू के दौर में है। लंबी एक प्रोसेस है, तो इसको लेकर क्या मंथन होता है और क्या दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री ने जारी करने हैं ताकि ये विवाद थम सके। जी चलिए, शुक्रिया आपका राकेश, जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो कुरुक्षेत्र पुलिस भर्ती में हो चुकी है तीन युवकों की मौत, अब इसको लेकर सीएम खट्टर बैठक करेंगे आज, और बैठक में गृह सचिव मौजूद रहेंगे, इसके अलावा डीजीपी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। खास खबर देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं पूजा खविया। खास खबर में बात आरटीआई के बड़े खुलासे की, जिसमें हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग ने ऐसे लोगों को लाल बत्ती का परमिट दे डाला है जो ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद हैं। यहां तक कि विभाग के दस्तावेजों में उन लोगों के नाम पर लाल बत्ती दर्शाई गई है जो पात्रता नहीं रखते, और जो रखते हैं उनको बत्ती की चमक दस्तावेजों में गुम हो गई है। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताएंगे आपको पूरा मामला आखिरकार है क्या। हरियाणा परिवहन विभाग में बड़ी चूक सामने आई है, जिसके बाद परिवहन विभाग के कामकाज और तौर तरीकों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। परिवहन विभाग की ओर से हरियाणा के 17 विधायकों को बिना इजाजत के लाल बत्ती लगाने की छूट दी गई है। परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, बिना परमिशन माननीयों की गाड़ी पर लाल बत्ती। बीजेपी के 17 विधायकों के पास बिना परमिशन गाड़ी पर बत्ती। कांग्रेस के साथ इनेलो के साथ विधायकों को बत्ती की परमिशन नहीं। परिवहन विभाग ने सांसद दुष्यंत चौटाला को बताया विधायक। रमेश चंद, जो ना विधायक है और ना सांसद, उन्हें गाड़ी नंबर HR10A7531 पर बत्ती लगाने की अनुमति विभाग की ओर से दी गई है। हैरानी की बात यह है कि परिवहन विभाग की इससे बड़ी लापरवाही शायद ही होगी कि विभाग के दस्तावेजों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम के आगे भी बत्ती नहीं दिखाई गई। आरटीआई में मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी के 29 विधायकों को लाल बत्ती की अनुमति, इनेलो के 12 विधायकों को बत्ती की अनुमति, 8 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय और 2 ऐसे लोगों को बत्ती की अनुमति दी गई जो विधायक ही नहीं है। आइए बताते हैं आपको कि लाल बत्ती का हकदार कौन है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 108 की धारा 3 के मुताबिक जिन लोगों को लाल बत्ती लगाने की पात्रता है उनमें राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, लोकायुक्त और अध्यक्ष राज्य मानव अधिकार आयोग है, जबकि विधायकों को गाड़ी पर बत्ती लगाने की पात्रता नहीं है। आरटीआई के खुलासे से परिवहन विभाग की चूक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
विभाग की बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्यों अपात्र लोगों को लाल बत्ती की परमिशन दी गई है? विधायक लाल बत्ती के पात्र नहीं तो क्यों दिया गया लाल बत्ती का परमिट? सांसद को विधायक बताने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से लाल बत्ती का पूरा खेल नजर आया। अक्सर हमारे नेताओं को लाल बत्ती की लालसा तो होती है, वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं और लाल बत्ती बड़ी ही रौब की बात समझते हैं, लेकिन जो आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ, कई लापरवाहियां उसमें सामने आई है कि आखिरकार जो ना तो विधायक हैं ना सांसद हैं, उन्हें बत्ती कैसे मिल गई, उनको परमिशन ही कैसे मिल पाई, ये बड़ा सवाल है। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। राकेश जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राकेश जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल पा रही है आप। राकेश जी, जो आरटीआई के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है, काफी चौंका देने वाला है ये तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बड़ी बात यह है कि जो ट्रांसपोर्ट अधिकारी हैं उन्होंने ये बताया कि हमारे आधे से ज्यादा एमएलए जो हैं बत्ती की परमिशन ही नहीं ली। यदि हम बात करें सत्ता पार्टी की तो सत्ता पार्टी के 17 एमएलए ऐसे हैं जिनके पास बत्ती की परमिशन नहीं ली, और यदि हम कांग्रेस की बात करें खुद भूपिंदर सिंह हुड्डा, गीता बुक्कल और किरण चौधरी, कुलदीप शर्मा, रघुवीर कांदन जो बड़े लीडर है जिनको पता है कानून कायदे क्या होते हैं, उन्होंने भी बत्ती की परमिशन नहीं ली। नहीं लेकिन राकेश उसमें तो खुलासा ये भी हुआ है कि कई ऐसे ना तो विधायक हैं ना सांसद हैं, उनको भी परमिशन मिल गई, वो भी बत्ती लगा के अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ये भी खुलासा हुआ है। हाँ जी, ऐसे ही दुष्यंत चौटाला जी की इन्होंने जो एक एमएलए दिखा दिए हैं जबकि वो एमपी हैं, उनको एक अमर बत्ती जारी कर दी गई। दूसरा जो हमने देखा जब जांच की तो रमेश चंद एक एमएलए बना दिए गए हैं जबकि सारी लिस्ट के अंदर रमेश चंद एमएलए नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। राकेश वाकई में बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा ये आपने किया है, क्योंकि राकेश चंद ना तो विधायक ना ही सांसद, फिर भी उनकी गाड़ी पर बत्ती लगाने की अनुमति विभाग की तरफ से मिली है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। राकेश आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आपने ये पूरा खुलासा किया है। ब्रेक पर हम जा रहे हैं लेकिन ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान प्रदीप नरूला जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर कैसे सकता है। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है, वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देसी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देसी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरताज जिप्सम ने डीला भी खत्म कर देता, सब बूटियां दी उम्र ही बढ़ा देती है। वाह भी वाह, सरताज जिप्सम ने कमाल कर देती है। सरताज जिप्सम ने बल्ले बल्ले करा दी खेचा। सरताज जिप्सम वाले पठिया ने ते मज्जा का दुध ही बढ़ा देता। सरताज जिप्सम, नेचुरल इम्पोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। ये है मोल्टाल, जिसका अनोखा एंटीएक्स बार अंडे, इल्ली और व्यस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोर्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनु का मोर्टार ही मांगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान।
MDK इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सतपुरा चौक नियर पावर हाउस रोहतक। सफेद मक्खी का कहर पिछले कई वर्षों से नरमे की फसल को बर्बाद कर रहा है। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। MD बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटीएक्स बार अंडे, इल्ली और व्यस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनु का मोल्टार ही मांगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं RTI के बड़े खुलासे की, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि परिवहन विभाग की तरफ से जो चूक हुई है उसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही बरत दी जाती है। प्रदीप नरूला जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, बेसिक सा सवाल ही है ये कि इतनी बड़ी चूक हो जाती है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको लाल बत्ती दे दी जाती है, कैसे इतनी बड़ी विभाग की तरफ से लापरवाही हो सकती है और जिम्मेदार कौन इसके लिए? देखिए पूजा, लाल बत्ती रेड बैकन के कुछ नियम हैं कि किन्हें लाल बत्ती दी जा सकती है, किन को ऑरेंज बत्ती देनी है और किन को नीली बत्ती देनी है। लगभग पुलिस के अधिकारियों को और इमरजेंसी सेवा जो है वो नीली बत्ती होती है, विधायक और ये एक प्रोटोकॉल के तहत ऑरेंज बत्ती में आते हैं जी। पर इस RTI के खुलासे में एक बहुत बड़ी चूक है। मुझे नहीं लगता कि कोई विधायक ऐसे घूम रहा हो जिसने ऑरेंज बत्ती अपनी गाड़ी पे नहीं लगा रखी हो, और 16 या 17 विधायक ऐसे हैं और उसमें कुछ ऐसे नेता रहे हैं जो पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी परमिशन नहीं ली। बिना परमिशन के आप उसे बत्ती नहीं लगा सकते, आइदर वो लाल बत्ती हो, नीली बत्ती हो या रेड बेकन हो। और जहां तक सवाल है कुछ नामों का जो आप, तो मुझे लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ी चूक है कि दुष्यंत चौटाला को विधायक दिखाया गया है, तो पूरा इससे ये लगता है कि प्रशासन भी जो भी डिपार्टमेंट भी इतना गंभीर नहीं है, शायद किसी नौसिखिए को ये RTI की जवाब दे, यानी कि नाम में या डेजिग्नेशन में कुछ फेरबदल, कुछ गलती हो सकती है। हाँ नहीं, हाँ। वो किसी ऐसे अनजान आदमी को वहाँ RTI के जवाब के लिए बैठा दिया गया जिसको शायद बेसिक नॉलेज नहीं थी, और वो फिर जिस तरह से टाइप करता हुआ और या हाथ से लिख के जो भी किया उसने वो उन्हें सूचना दे दी। तो इससे एक चीज और साफ हो जाती है कि हमारे डिपार्टमेंट वो भी स्टेट स्तर के कितने गंभीर हैं RTI के जवाब देने में, कि वो कितनी बड़ी और कितनी चूक करते हैं। एक इतना गंभीर विषय है कि किसी ने लाल बत्ती की परमिशन किन किन को दी गई है उसकी जानकारी मांगी है और उसे जानकारी में ये दिया गया है।
ये बात बिल्कुल सही है कि विधायक और पूर्व मंत्री जैसे ऐसे लोग जिनको कानून का पता है, जिनको पल पल की जानकारी है, और वो भी अगर लापरवाही करते हैं तो आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की है और कितनी बड़ी उनकी इंडिविजुअल लापरवाही है जो बिना परमिशन के बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। ठीक ठीक, बने रहिए आप हमारे साथ। राकेश हमारे साथ जुड़े हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट। राकेश, आपने आरटीआई के जरिए खुलासा तो कर दिया, लेकिन अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, आगे क्या चाहते हैं अब आप? देखिए मैडम, अभी मेरे को नहीं पता कौन साहब थे जो बता रहे थे भी 17 नहीं 17। राकेश आपकी आवाज नहीं मिल रही। हेलो, हाँ कहिए। 38 विधायक हैं जिनके पास बत्तियों के परमिशन नहीं है और बत्तियां लगाए फिर रहे हैं जी। ये सिर्फ 17 नहीं है, 38 हैं। 17 तो सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, 7 जो है कांग्रेस के हैं, 7 जो है इनेलो के हैं जो कि पहले मंत्री रह चुके हैं। ये सभी सामने आए हैं जिनके पास बत्तियां लगी हुई हैं। इसमें अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, आपको देखा होगा 2014 में, उसमें लाल बत्ती को लेकर बड़ी गंभीर जो है एक बात उठाई गई थी। हम इसको लेके अभी जो उच्च अधिकारियों को इसकी नोटिस में पाएंगे भी ये किस तरह ये बत्तियां लगाए घूम रहे हैं या इनको परमिशन क्यों नहीं दी गई। बिल्कुल, क्योंकि ये अनियमितताएं जो बरती गई हैं वो क्यों बरती गई हैं और लापरवाह इसके लिए कौन है, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? प्रदीप जी, आपने सुना कि पूजा, इसमें दो लापरवाही है। जिन विधायकों ने या पूर्व मंत्रियों ने आज भी बत्ती लगा रखी है और उन्होंने परमिशन नहीं ली, तो ये लापरवाही उन विधायकों की भी है, मंत्रियों की नहीं, उन्हीं की है। उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया ये भी शायद आरटीआई की जानकारी में नहीं होगा। और नंबर दो, जिनको विभाग ने कुछ पद ना एलिजिबल ना होते हुए भी लाल बत्ती की परमिशन दे रखी है, तो इसमें पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं दोषी है। बाकी जो ये 38 की बात कर रहे हैं राकेश, कि 38 विधायक ऐसे हैं, मैं नहीं मानता कि कोई विधायक ऐसा होगा जो बत्ती लगाकर नहीं घूम रहा होगा। निसंदेह वो फील्ड में बत्ती लगाकर घूम रहे होंगे। मैंने तो ऐसे विधायक देखे हैं कि उनके घर में अगर बेटा या भाई या भतीजा भी गाड़ी लेकर चलता है तो वो भी बत्ती लगाकर घूमता है। तो ये बात ठीक है कि क्या उन्हें ये नियम की जानकारी नहीं है, लेकिन लापरवाही है, एक नशा है जिसके तहत ठीक है हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, और वो बिना परमिशन के। वही तो बात है कि वो रॉब और वो नशा है, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर चुका है, बावजूद इसके गंभीरता नजर नहीं आ रही। अब राकेश, क्या आप आगे कार्रवाई चाहते हैं और अब आगे क्या करेंगे आप? राकेश, बड़े अधिकारियों को नोटिस में ये पाएंगे ये किस तरह ये बत्ती लगा के घूम रहे हैं, इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ आज तक? ठीक, एक्शन की बात आप करते हैं, बहुत शुक्रिया राकेश आपका। प्रदीप जी, आपका क्या आखिर में क्या कंक्लूजन आप देखते हैं इसका? नहीं, निसंदेह दोनों तरफ से लापरवाही है। हमारे नेतागण हैं, जो विधायक हैं, जो जिनको परमिशन लेनी चाहिए, जब उन्हें परमिशन मिलती है, उन्हें अधिकार है कि ऑरेंज लाइट वो लगा सकते हैं, तो उनको परमिशन लेके लगानी चाहिए। और शायद ये लापरवाही है, ये उनपे भी एक्शन होना चाहिए जो लोग। लेकिन पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि लाल बत्ती एलिजिबिलिटी ना होने के बाद लगाने का चालान सिर्फ 100 रुपए का है। तो ये भी बहुत बड़े अफसोस की बात है। मुझे याद है कि एक लाल बत्ती को लेकर हमने कोई मसला उठाया था और उसमें तत्कालीन वो डीसीपी भारती अरोड़ा थी, उन्होंने चालान काटा था एक नेता का, 100 रुपए का चालान था। बिल्कुल, और ये भी विडंबना है कि जब इतना चालान है तो उसके बाद कोई वैसे ही नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रदीप जी आपका हमारे साथ जुड़े। तो सवाल यही हम कर रहे थे कि किस तरह से ये जो पूरा मसला है वो लगातार सुर्खियों में आया। बीजेपी से हमारे साथ रेणु भाटिया जी जुड़ी है। रेणु जी नमस्कार, सुन पा रही है मुझे? रेणु भाटिया जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी रेणु जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी हेलो, रेणु भाटिया जी आपको आवाज मेरी मिल रही है? हाँ मिल रही है आपकी आवाज। रेणु भाटिया जी, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है जहां पर कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं जबकि वो अनियमितता बरत रहे हैं, कार्रवाई होगी कि नहीं होगी उन पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक स्पष्ट आदेश है, वो निर्देश हर विषय पर एक समान है। वो ये कहते हैं कि जो भी किसी भी चीज का कोई उल्लंघन करेगा कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि जो एग्जाम्पल लोग सेट करते हैं वो अगर इस तरह से करेंगे तो दूसरे लोगों को
एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, वो एक टीचर के तौर पे उनके लिए एग्जाम्पल बनते हैं। दूसरी बात ये है कि विधायक भी अपने आप में एक गणमान्य व्यक्ति होता है, ठीक। तो मुझे लगता है कि अगर इन व्यक्तियों को छूट दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अपने इलाके का वो एक तरह से मुखिया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड पर्सन होना भी कहीं कहीं जरूरी मुझे लगता है होता है। दोनों ही बातें आ जाती हैं, अगर हमारे रेणु भाटिया जी बने हैं तो हमें उल्लंघन नहीं। रेणु भाटिया जी बोलिए। विधायक को ऑरेंज बत्ती लगाने की परमिशन है, लेकिन तब जब वो पे एक बार परमिशन ले परमिशन लेटर, पहले परमिशन ले। लेकिन 38 विधायक आपके यहाँ ऐसे हैं पूरे स्टेट में, जिसमें से 17 विधायक आपकी पार्टी के भी हैं, जो शायद फील्ड में तो बत्ती लगाकर घूमते हैं, परमिशन उन्होंने अभी तक नहीं ली। ये आरटीआई के जवाब में मिला है। मनदीप बिश्नोई जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनएलओ की तरफ से। मनदीप जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। मनदीप जी, क्या वजह है कि इनेलो के भी विधायक लाल बत्ती लगाकर घूम रहे हैं और खुद सांसद दुष्यंत चौटाला भी, उनका नाम इसमें शामिल है, उनको एमएलए इसमें बताया गया है, एमपी है वो, एमएलए बताकर उनको बत्ती लगाने की बात की गई है? देखिए, ये जो आरटीआई आई है इसके मुझे पूरी रूप से तो जानकारी नहीं है। अगर मैं इनका अध्ययन करूंगा तो पता लगेगा किसी, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि विधायक और सांसद को बत्ती लगाने की एक पर्टिकुलर परमिशन तो है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, उनको बत्ती लगाने की परमिशन भी होनी चाहिए, और जहां तक नियमों की पालना की बात है। लेकिन आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है, आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है कि 7 विधायकों को बत्ती की परमिशन नहीं है इनेलो के, ये खुलासा हुआ है? नहीं, अगर नहीं है तो वो कब की आरटीआई है, किस तरह की है? हो सकता है ये पहले की हो, परमिशन उन्होंने अप्लाई कर रखी हो, परमिशन मिली हुई हो, और इस आरटीआई में गलती से भी रह सकती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का कोई विधायक कोई सांसद ऐसा नहीं है जो परमिशन की नियमों का उल्लंघन करता। मनदीप जी, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए अगर ऐसा होता भी है तो, लेकिन अगर अनियमितताएं बरती जाती हैं, अगर परमिशन नहीं ली जाती और उसके बाद भी आप इस फैसिलिटीज का इस्तेमाल करते हैं तो वाकई में ये कानून के दायरे में आता है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। हुड्डा जी नमस्कार, सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी। हुड्डा जी, कांग्रेस के 7 ऐसे विधायक हैं जिनको बत्ती की परमिशन नहीं है, फिर भी वो बत्ती लगाकर घूम रहे हैं। नहीं, कौन सी लाल बत्ती है, पीली बत्ती है, कौन सी बत्ती लगा रहे हैं? लाल बत्ती लगाकर वो घूम रहे हैं और परमिशन उन्होंने ली नहीं है अभी तक। देखिए, अगर वो लाल बत्ती लगा के घूम रहे हैं तो गलत है, और हमें उनके नाम बताइएगा, हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे। हुआ है, हम उनको रोकने का प्रयास करेंगे। नहीं, लेकिन मंत्रियों को ये बत्ती लगाने का शौक कब खत्म होगा? आखिरकार वीवीआईपी ट्रीटमेंट से होता क्या है? बत्ती लगाकर किस तरह से वो दिखाना चाहते हैं अपने आप को? ये इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन इसको लेकर आ चुकी है। एक बार एमएलए रह जाए, वो सारी उम्र बत्ती लगा के घूमते हैं। लेकिन मैं तो मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, एमएलए भी रह चुका हूँ, मैंने कभी आज तक जिंदगी में बत्ती नहीं लगाई है। अगर आपने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आपके पार्टी के नेता तो कर रहे हैं। हाँ, नाम बताइए, उनका रोकेंगे हम उनको। अगर हमारे लोग गलती कर रहे हैं, ठीक, तो निश्चित तौर पे उनको रोकेंगे हम। हाँ। नहीं करने देंगे उनको, गलती नहीं करने देंगे। चलिए, आपने रोकने की बात की, लेकिन मनदीप जी कह रहे थे कि अगर ऐसा होता भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदीप जी, क्या कमेंट आप देना चाहेंगे? निसंदेह ये बात ठीक है कि उन्हें ऑरेंज लाइट लगाने की परमिशन है, लेकिन परमिशन पहले ली जाती है सरकार से, परमिशन लेटर साथ रखा जाता है, क्योंकि आप कई बार दिल्ली में कई विधायकों की गाड़ी जाती है तो दिल्ली पुलिस उन्हें नहीं छोड़ती, और ऐसे इंसिडेंट हुए भी हैं। लेकिन आपको जो परमिशन है आप उसे अप्लाई करके विधिवत रूप से लेटर लेकर परमिशन क्यों नहीं लेते? लेकिन ये सीधे से एक लापरवाही का मामला है। बिल्कुल, लापरवाही का मामला। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी। इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है, इतनी बड़ी चूक होती है और उसके बाद कार्रवाई की बात सामने आती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्यों अनियमितताएं बरती जाती है और कैसे परिवहन विभाग की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है? फिलहाल खास खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।